ऋतिक कुमार मेरा भतीजा है, 12 बजे डूब गया था। उस नहीं, मेरे हमारे को किसी तरफ से मदद मिला है, ना प्रशासन द्वारा ना सीओ द्वारा। गोताखोर भी आया था, लेकिन वो अपने पैसे से हम मंगाए, ना ही हमको प्रशासन तरफ से मदद है और ना कोई सीओ की है। साहेबगंज जिला में एनडीआरएफ की टीम व्यवस्था किया जाए। साहिबगंज नगर थाना क्षेत्र के पुरानी साहिबगंज के ओझा टोली गंगा घाट में स्नान करने के दौरान बीते सोमवार को एक किशोर गंगा में डूब गया था, जिसका शव 40 घंटे के बाद स्वयं तैरता हुआ उसी घाट में दिखाई दिया। बता दें कि लाख प्रयासों के बाद भी स्थानीय गोताखोरों ने 13 वर्षीय किशोर को खोजने में नाकाम रही थी। बता दें कि नगर थाना क्षेत्र के कमल टोला मोहल्ले के मंटू राय का पुत्र ऋतिक राय स्नान करने के दौरान ओझा टोली गंगा घाट में डूब गया था। उनके परिजनों ने बताया कि ऋतिक अपने अन्य साथियों के साथ गंगा में स्नान करने के लिए गया था, जहां स्नान करने के दौरान गंगा के गहरे पानी में चला गया। काफी खोजबीन के बाद भी शव को बरामद नहीं किया गया था। वहीं मंगलवार की सुबह 40 घंटे के बाद शव स्वयं गंगा में तैरता दिखाई दिया, जिसके बाद आसपास के ग्रामीणों के सहयोग से शव को बाहर निकाला गया। शव मिलने की खबर मिलते ही परिजन रोते बिलखते घाट पर पहुंचे। परिवार में मातम पसरा हुआ है। वहीं मृतक के परिजन ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि अंचल प्रशासन और पुलिस की टीम निरीक्षण को लेकर घाट पर पहुंचे थे, परंतु जिला प्रशासन के द्वारा कोई भी गोताखोर उपलब्ध नहीं कराया गया था। कहा कि स्वयं के खर्च पर राजमहल से गोताखोरों को मंगवाया गया था। वहीं परिजनों ने सरकार और जिला प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा कि विगत कुछ दिनों में इसी घाट पर 3 युवक की मौत गंगा में डूबने से हो चुकी है, परंतु एनडीआरएफ की एक टीम अगर साहिबगंज में होती तो शायद इस हादसे को होने से पहले बचाया जा सकता था। बताया कि गंगा साहिबगंज में बहती है, परंतु एनडीआरएफ की टीम देवघर में मौजूद रहती है, जिसके पहुंचने तक कईयों की जिंदगी खत्म हो जाती है, इसलिए एनडीआरएफ की एक टुकड़ी साहिबगंज में भी स्थापित हो। ऋतिक कुमार मेरा भतीजा है, जो कि परसों जो है लगभग में 12 बजे डूब गया था। उसके बाद आज 13 तारीख के डेट में लगभग 8 बजे वो निकला है, और ना ही मेरे हमारे को किसी तरफ से मदद मिला है, ना प्रशासन द्वारा ना सीओ द्वारा। जो भी किए हैं हम खुद से किए हैं, खुद से अपना जो भी है दोस्त यार को बोल के हम अपने आप को निकलवाए हैं। उनको गोताखोर भी आया था, लेकिन वो अपने पैसे से हम मंगाए, ना ही हमको प्रशासन तरफ से मदद है और ना कोई सीओ की है मदद। कोई व्यवस्था नहीं है और ना ही कोई भेजा गया कि हाँ भाई कोई गोताखोर भेजेंगे जो निकाला जाए। ना एनडीआरएफ के यहाँ कोई टीम आई है। बस सरकार से आग्रह है कि कम से कम साहेबगंज जिला में एनडीआरएफ की टीम व्यवस्था किया जाए।